नहीं, आज हमें क्या करना है बेटा, आज हमें टी अकाउंट्स बनाने हैं और उन टी अकाउंट्स को फिर बैलेंस करना है, और उसके बाद हमें बनाना है ट्रायल बैलेंस। मैं डेटा रीड कर रहा हूँ, प्रिपेयर टी अकाउंट्स, बैलेंस देम ऑफ एंड मेक ट्रायल बैलेंस फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। क्या कह रहा है भाई, टी अकाउंट्स बनाने हैं, बैलेंस करना है और उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनाना है। मैं एक एक करके क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ। ट्रांजेक्शन, पहला ट्रांजेक्शन है स्टार्टेड इन बिजनेस विद 65,000 कैश एंड $135,000 इन बैंक। बिजनेस स्टार्ट किया है, कैश में कितने पैसे डाले 65,000 और बैंक में कितने पैसे डाले 135,000। तो देखिए जी, हम इसके बनाते हैं टी अकाउंट्स। और उससे पहले हमें एक चीज़ ये समझनी है यार, कि हमने पढ़ा था AED और LIC, याद है? AED स्टैंड फॉर अरब इमिरेट्स दिरहम, स्टैंड फॉर एसेट एक्सपेंस ड्रॉइंग। हमने बात की थी यार AED का नेचर क्या होता है, डेबिट, और LIC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी मीन्स लाइबिलिटी इनकम और कैपिटल, और लाइबिलिटी इनकम और कैपिटल का नेचर होता है क्रेडिट। इसका मतलब जब भी एसेट एक्सपेंस या ड्रॉइंग बढ़ेगा तो उसको डेबिट करेंगे, जब भी लाइबिलिटी इनकम या कैपिटल बढ़ेगा तो उसको क्या करेंगे जी, क्रेडिट करेंगे। अब एक एक करके हम टी अकाउंट्स खोलेंगे। सबसे पहला ट्रांजेक्शन था, वो कह रहा है बिजनेस स्टार्ट किया 65,000 कैश। भाई देखिए, जब बिजनेस में हम कैश इन्वेस्ट करेंगे तो कैश बिजनेस में आ रहा है, तो बिजनेस का एसेट बढ़ रहा है कैश, और बिजनेस में जो पैसा घर से आता है वो कहलाता है कैपिटल। तो देखिए, कैश एसेट है, इसका नेचर डेबिट है, कैपिटल का नेचर क्रेडिट है। तो जब कैश बढ़ेगा तो उसको डेबिट करेंगे 65,000। कैश डेबिट हो रहा है किसकी वजह से, रेफरेंस में कैपिटल लिखेंगे, 1 December डेट डालेंगे, और कैपिटल क्रेडिट हो रहा है किसकी वजह से, कैश की वजह से। यार ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, हमने कैश को डेबिट किया है और रेफरेंस में लिखा है कैपिटल। इसका क्या मतलब, मतलब कैश हमारा बढ़ रहा है किसकी वजह से, कैपिटल की वजह से, और कैपिटल को क्रेडिट किया है उसमें रेफरेंस लिखा है कैश। भाई देखिए, होता ही है, जो अकाउंट डेबिट होता है उसमें उसका रेफरेंस डाला जाता है जो क्रेडिट हो रहा है, और जो अकाउंट क्रेडिट हो रहा है उसमें उसका रेफरेंस डाला जाता है जो डेबिट हो रहा है। कैश डेबिट हो रहा है किसकी वजह से, कैपिटल की वजह से, और कैपिटल क्रेडिट हो रहा है किसकी वजह से, कैश की वजह से। डेबिट वाले में क्रेडिट वाले का रेफरेंस डाला जाता है और क्रेडिट अकाउंट में डेबिट का रेफरेंस डाला जाता है। अगर कैश के अकाउंट में मैं रेफरेंस में कैश डालूंगा तो ये गलत हो जाएगा, ऐसे कैपिटल अकाउंट में रेफरेंस में डालूंगा कैपिटल तो गलत हो जाएगा। भाई ऐसा होता है ना, जैसे एक मिसाल है, बेटे के नाम के साथ बाप का नाम लग रहा है, सही है, और बाप जो है वो कनेक्टेड है बेटे के साथ, सही है। तो बेटे के साथ बाप का नाम और बाप के नाम के साथ, वैसे तो उसके बाप का नाम होता है, लेकिन मैं एक मिसाल समझाने के लिए, बाप के नाम के साथ बेटे का नाम। कैश डेबिट हो रहा है तो क्रेडिट क्या हो रहा होगा, कैपिटल, और कैपिटल क्रेडिट हो रहा है तो डेबिट क्या हो रहा होगा, कैश। ऑपोजिट रेफरेंस। कैश के बाद वो कह रहा है हमने बैंक में भी पैसे डाले 135, और ये भी पैसा घर से ही आ रहा है, क्योंकि जब बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं बिजनेस में तो पैसा होगा नहीं, तो कितना बैंक में पैसे डाले 135, तो एक नया अकाउंट खोलना पड़ेगा बैंक के नाम से 135। क्यों? क्योंकि बैंक हमारे लिए एसेट है, एसेट जब बढ़ता है तो डेबिट। अच्छा, बैंक में पैसा आ रहा है कहाँ से, ये कैपिटल है, तो बैंक को डेबिट करेंगे, रेफरेंस में कैपिटल लिखेंगे, और कैपिटल को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, और कैपिटल जब बढ़ेगा किसकी वजह से, वो बढ़ेगा बैंक की वजह से, सही है। बैंक डेबिट हो रहा है कैपिटल की वजह से और कैपिटल क्रेडिट हो रहा है बैंक की वजह से। कैश अकाउंट में भी कैपिटल का रेफरेंस था, बैंक अकाउंट में भी कैपिटल का रेफरेंस था, क्योंकि जो पैसा आ रहा है कहाँ से आ रहा है, कैपिटल से आ रहा है, सही जी। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पर हम बात करते हैं। कह रहे बॉट अ शॉप फॉर 8,000 फ्रॉम पीटर, अग्रीइंग हिम टू पे विद इन 8 months। कह रहे भाई, हमने शॉप खरीदी है पीटर से और अग्री किया है कि हम आपको 8 months में पैसे देंगे। ये जो शॉप है ये हमारे लिए क्या है, एसेट। जब भी एसेट बढ़ेगा तो हम एसेट को डेबिट करेंगे, तो एक नया अकाउंट खोलेंगे किस नाम से, शॉप के नाम से, और शॉप अकाउंट को हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। क्या करना है भाई, एक शॉप का अकाउंट खोला, और चूंकि हमने अभी तक पीटर को पैसे नहीं दिए तो पीटर हमारे लिए कौन है, पीटर हमारे लिए है लायबिलिटी। तो हम एक नया अकाउंट खोलेंगे किस नाम से, पीटर, और पीटर लायबिलिटी है, लायबिलिटी का नीचे क्रेडिट होता है, तो शॉप को हम डेबिट करेंगे। शॉप डेबिट हो रही है किसकी वजह से, पीटर की वजह से, क्योंकि पीटर से हमने शॉप खरीदी है, और पीटर को हम क्रेडिट कर देंगे किसकी वजह से, शॉप की वजह से। तो हमने बात की बेटा, जो अकाउंट डेबिट होता है उसमें उसका रेफरेंस डालते हैं जो अकाउंट क्रेडिट होता है, और जो अकाउंट क्रेडिट होता है उसमें डेबिट वाले का रेफरेंस डालते हैं। अगर शॉप में रेफरेंस में शॉप लिखते तो गलत हो जाता है, ऐसे पीटर के रेफरेंस में पीटर लिखते तो गलत आ जाता है। ऑपोजिट रेफरेंस लिखना है, सेम रेफरेंस नहीं लिखना।
उसके बाद क्या कहता है जी, received a loan from James for 50,000 by check. क्या कह रहा है भाई, James से हमने लोन लिया है कितना, 50,000 by check. भाई जब हम लोन लेंगे चेक से तो हमारा बैंक बढ़ जाएगा, क्योंकि लोन हम क्यों लेते हैं, क्योंकि हमें पैसों की जरूरत है. जब हमें पैसे मिलते हैं तो हमारा बैंक बढ़ जाएगा. क्या एंट्री बनाएंगे भाई, बैंक को डेबिट कर देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा और एक नया अकाउंट खोलना पड़ेगा, लोन फ्रॉम जेम्स. यार ये जो लोन हमने लिया है हमारे लिए क्या होगा, लायबिलिटी, और लायबिलिटी का नेचर क्या होता है जी, क्रेडिट. तो क्या एंट्री बनाएंगे, बैंक डेबिट और लोन फ्रॉम जेम्स क्रेडिट. तो देखें बैंक अकाउंट को डेबिट कर रहा हूँ, रेफरेंस में लिख दूंगा लोन फ्रॉम जेम्स, ये जेम्स लोन भी लिख सकते हैं, और लोन फ्रॉम जेम्स क्रेडिट होगा, क्योंकि जब भी लायबिलिटी बढ़ती है तो वो क्या होती है जी, क्रेडिट. लोन फ्रॉम जेम्स को क्रेडिट कर देंगे, रेफरेंस में लिख देंगे हम बैंक. सही है जी, बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है किसकी वजह से, लोन फ्रॉम जेम्स की वजह से, और लोन फ्रॉम जेम्स क्रेडिट हो रहा है किसकी वजह से, बैंक की वजह से. तो ये हो गया हमारा ट्रांजेक्शन. उसके बाद बात करते हैं जी, वो कह रहा है बॉट गुड्स फ्रॉम डिसूजा फॉर 3,000 अग्रीइंग टू पे लेटर. कह रहा है हमने गुड्स खरीदी है किससे, डिसूजा से, और अग्री किया है कि हम लेटर आपको पे करेंगे, मतलब अभी तक हमने पैसे नहीं दिए. तो देखिए जब भी हम गुड्स खरीदते हैं, स्टॉक खरीदते हैं या इन्वेंट्री खरीदते हैं, बात एक ही है. पहली बात यह है गुड्स इन्वेंट्री या स्टॉक का कोई अकाउंट नहीं बनाते. तो जब भी हम गुड्स बाय करेंगे तो हम कौन सा अकाउंट खोलेंगे, परचेज. और परचेज अकाउंट डेबिट होता है क्यों, क्योंकि बिजनेस में गुड्स आ रही. और हमने चूंकि उधार पे गुड्स खरीदी है, अभी तक पैसे नहीं दिए, क्रेडिट पे खरीदी है, तो हम एक नया अकाउंट खोलेंगे किस नाम से, डिसूजा के नाम से. डिसूजा कौन है जी हमारे लिए, डिसूजा हमारे लिए है लायबिलिटी. तो देखें परचेज अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि गुड्स आ रही है, कहाँ से आ रही है, डिसूजा से. तो परचेज अकाउंट में रेफरेंस डालेंगे किसका, डिसूजा का. और डिसूजा का अकाउंट क्या हो जाएगा जी, डिसूजा का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, रेफरेंस में क्या आ जाएगा, परचेज. परचेज डेबिट हो रही है डिसूजा की वजह से, और डिसूजा क्रेडिट हो रहा है किसकी वजह से, परचेज की वजह से. बाद अगर हम बात करें, कह रहे सोल्ड 750 ऑफ द गुड्स टू जिमी एंड रिसीव्ड अ प्रॉमिस फ्रॉम हिम टू पे लेटर. कह रहे हमने 750 की गुड्स बेची हैं किसको, जिमी को, और हमने प्रॉमिस रिसीव किया है कि हम आपको लेटर क्या करेंगे, पे करेंगे. भाई देखिए जब हम सोल्ड करेंगे गुड्स तो हम किसका अकाउंट खोलेंगे, सेल्स का. कौन सा अकाउंट खोलेंगे, सेल्स का. तो सेल्स अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा, क्योंकि गुड्स जा रही हैं. और जिमी को जो हमने गुड्स बेची हैं, जिमी हमारे लिए कौन है, कस्टमर. तो देखें इस पेज पे तो अकाउंट हमारे जगह खत्म हो गई है, अब मैं जाऊंगा नेक्स्ट पेज पे और मुझे दो अकाउंट खोलने हैं, एक जिमी का अकाउंट और एक सेल्स का अकाउंट. तो देखें जिमी हमारा कस्टमर है, कस्टमर कौन होता है, ट्रेड रिसीवेबल, डेटर जिसको आप कहते हैं. ट्रेड रिसीवेबल कौन होता है, हमारा एसेट. तो जिमी का अकाउंट डेबिट करेंगे, क्यों, क्योंकि जिमी को हमने सेल्स किए, जिमी डेबिट होगा किसकी वजह से, सेल्स की वजह से. और सेल्स का अकाउंट हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, और रेफरेंस में हम लिखेंगे जिमी. तो देखें जिमी डेबिट हो रहा है किसकी वजह से, सेल्स की वजह से. 10 दिसंबर डेट जानना जरूरी है. और सेल्स क्रेडिट हो रहा है किसकी वजह से, जिमी की वजह से. जो अकाउंट डेबिट होता है उसमें उसका रेफरेंस डालेंगे जो क्रेडिट होता है, और जो अकाउंट क्रेडिट होता है उसमें उसका रेफरेंस डालेंगे जो डेबिट होता है. और उसके बाद क्या बात कर रहे हैं भाई, जिमी और सेल्स के बाद कहता है जी, पेड इंश्योरेंस बाय कैश 150. इंश्योरेंस हमारे लिए क्या है, बेसिकली इंश्योरेंस हमारे लिए एक्सपेंस है. हमने बात की थी जी एक्सपेंस का नेचर क्या होता है, डेबिट. तो क्या एंट्री बनाएंगे जी, इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट, और रेफरेंस में क्या लिख देंगे, कैश. इंश्योरेंस डेबिट हो रहा है, एक्सपेंस डेबिट हो रहा है किसकी वजह से, कैश. और कैश का अकाउंट हमने बनाया होगा पिछले पेज पे. तो अगर आप देखें कैश का अकाउंट हम क्या कर रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं. देखें कैश का अकाउंट हमने क्रेडिट किया किसकी वजह से, इंश्योरेंस की वजह से. सही, इंश्योरेंस में कैश का रेफरेंस और कैश में इंश्योरेंस का रेफरेंस. आगे क्या कह रहे हैं, सब लेट पार्ट ऑफ द शॉप टू हुसैन फॉर रेंट ऑफ 550 बाय चेक. हमने अपनी कुछ जगह, आधी जगह फॉर एग्जांपल हुसैन को रेंट पे दे दी. कितना रेंट मिला है, 550. भाई देखो अगर रेंट हमें मिल गया तो हमें हुसैन का अकाउंट नहीं खोलना पड़ेगा. हुसैन का अकाउंट कब खोलते हैं, जब हुसैन को हमने जगह दी होती और अभी तक उसने हमें पैसे ना दिए होते. सही है, जब उसने हमें चेक दे दिया तो हम हुसैन का अकाउंट नहीं खोलेंगे, हम एंट्री बनाएंगे बैंक डेबिट. और ये जो रेंट है ये हमें रिसीव हो रहा है तो हम एक नया अकाउंट खोलेंगे किस नाम से, रेंट रिसीव. तो देखें बैंक को मैं डेबिट कर रहा हूँ क्योंकि पैसे आ रहे हैं, बैंक को डेबिट करूंगा और रेफरेंस में लिखूंगा रेंट रिसीव. भाई देखें एक तो नॉर्मल होता है रेंट अकाउंट, जब हम रेंट पे करेंगे तो हम सिर्फ रेंट अकाउंट बनाते हैं जिसको रेंट पेड या रेंट पेएबल अकाउंट भी कहते हैं.
लेकिन जब हम रेंट रिसीव करेंगे तो हम एक नया अकाउंट खोलेंगे किस नाम से, रेंट रिसीव के नाम से, सही। तो बैंक डेबिट हो रहा है किसकी वजह से, रेंट रिसीव, और रेंट रिसीव का हम एक नया अकाउंट खोलेंगे। देखिए मैंने यहाँ अकाउंट खोला है, रेंट रिसीव का अकाउंट क्रेडिट होगा। रेंट रिसीव क्रेडिट क्यों होता है भाई, क्योंकि इनकम का नेचर क्या होता है, क्रेडिट। जब भी इनकम बढ़ती है तो उसको हम क्या करते हैं, क्रेडिट। तो बैंक अकाउंट डेबिट और रेंट रिसीव क्रेडिट। और आगे क्या कहता है भाई, रेंट रिसीव के बाद कह रहे सोल्ड गुड्स वर्थ 525 इन एक्सचेंज फॉर कैश। हमने गुड्स बेची हैं किसके एक्सचेंज में, कैश के एक्सचेंज। जब हम सोल्ड करते हैं तो हम सेल्स का अकाउंट बनाते हैं। लेकिन सेल्स का अकाउंट बना हुआ है, अच्छा एक चीज याद रखनी है, एक अकाउंट एक ही दफा बनेगा, एक अकाउंट एक क्वेश्चन में दो दफा नहीं बनेगा। तो कैश का एक अकाउंट होगा, बैंक का एक होगा, सेल परचेज सबके एक एक अकाउंट होंगे, किसी के भी दो अकाउंट नहीं बनाएंगे। तो देखिए सेल्स क्रेडिट हो रहा है, रेफरेंस में देखेंगे कैश, और कैश अकाउंट हमने पहले ही बनाया हुआ है, तो कैश अकाउंट को हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। ये देखिए कैश का अकाउंट बना हुआ है, कैश को डेबिट कर देंगे, रेफरेंस में क्या आ जाएगा, सेल्स। कैश डेबिट हो रहा है सेल्स की वजह से, और सेल्स क्रेडिट हो रहा है किसकी वजह से, कैश की वजह से। आगे कहता है भाई बॉट मोर गुड्स वर्थ 6000 इन एक्सचेंज फॉर कैश। हमने गुड्स बाय की हैं कितने की, 6000 की इन एक्सचेंज फॉर कैश। तो देखिए जब हम बॉट करते हैं तो बॉट का मतलब होता है परचेज। तो क्या एंट्री बनाएंगे भाई, परचेज को डेबिट करेंगे। सवाल ये आता है परचेज डेबिट क्यों हो रहा है, क्योंकि गुड्स बिजनेस में आ रही है। अगर गुड्स बिजनेस में आएंगी तो परचेज को क्या करेंगे, हम डेबिट करेंगे, सही। परचेज डेबिट हो रहा है किसकी वजह से, कैश की वजह से, और कैश जा रहा है, सही, एसेट कम हो रहा है, कैश को क्रेडिट करेंगे, रेफरेंस में क्या रखेंगे, परचेज। तो देखें परचेज अकाउंट में कैश का रेफरेंस और कैश अकाउंट में परचेज का रेफरेंस। कहते हैं रीपे पार्ट ऑफ द लोन ऑफ 10,000 टू जेम्स बाय चेक। हमने लोन रीपे किया है किसको, जेम्स को, बाय चेक। जब हम लोन रीपे करेंगे कस्टमर को, सॉरी सप्लायर को, तो हमारा बैंक कम हो जाएगा। जब हमने लोन लिया था तो बैंक बढ़ गया था, जब हम लोन वापस करेंगे तो बैंक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो भाई बैंक को क्रेडिट कर देंगे, और लोन जो लायबिलिटी थी हमारी वो भी कम हो जाएगी, क्योंकि हमने लायबिलिटी पे कर दी। तो लोन फ्रॉम जेम्स जब बड़ा था, लायबिलिटी जब बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, और जब लायबिलिटी को कम करेंगे तो क्या कर देंगे, डेबिट। तो लोन फ्रॉम जेम्स को डेबिट कर देंगे, रेफरेंस में बैंक, और बैंक को क्या कर देंगे जी, बैंक को क्रेडिट कर देंगे, रेफरेंस में क्या आ जाएगा, लोन फ्रॉम जेम्स, सही। लोन डेबिट हो रहा है रेफरेंस में बैंक, और बैंक क्रेडिट हो रहा है रेफरेंस में लोन फ्रॉम जेम्स। कहते हैं सम ऑफ द गुड्स वर 250 वर डिफेक्टेड एंड रिटर्न बैक टू डिसूजा। अब देखिए डिसूजा हमारा सप्लायर है, हमने उससे गुड्स परचेज की थी, अब वो गुड्स डिफेक्टेड है और वो हम उसको रिटर्न कर रहे हैं। अगर हम गुड्स रिटर्न करेंगे डिसूजा को तो ये कहलाएगा रिटर्न आउटवर्ड। तो रिटर्न आउटवर्ड क्रेडिट होता है क्योंकि गुड्स बिजनेस में से जा रही है। क्या एंट्री बनाएंगे जी, रिटर्न आउटवर्ड क्रेडिट, और डिसूजा का अकाउंट डेबिट। तो ये देखें डिसूजा का अकाउंट है, डिसूजा को डेबिट कर देंगे, रेफरेंस में क्या आ जाएगा, रिटर्न आउटवर्ड, और रिटर्न आउटवर्ड का अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो एक नया अकाउंट खोलना पड़ेगा हमें किस नाम से, रिटर्न आउटवर्ड। देखिए मैं नया अकाउंट खोल रहा हूँ, रिटर्न आउटवर्ड को क्रेडिट कर रहा हूँ, रेफरेंस में क्या आ जाएगा, डिसूजा, सही है। रिटर्न आउटवर्ड क्रेडिट हो रहा है क्योंकि गुड जा रही है, रेफरेंस में डिसूजा, और डिसूजा का अकाउंट हमने डेबिट किया, रेफरेंस में रिटर्न आउट। आगे कह रहे हैं जिमी रिटर्न गुड्स टू अस। भाई देखिए अगर हमारे पास गुड्स वापस आ रही हैं तो ये क्या कहलाएगा, ये रिटर्न इनवर्ड कहलाएगा। और रिटर्न इनवर्ड क्या होता है भाई, हमारे लिए डेबिट, क्योंकि गुड्स आ रही हैं। तो क्या एंट्री बनाएंगे जी, रिटर्न इनवर्ड्स डेबिट, रिटर्न इनवर्ड डेबिट, और जिमी से गुड्स आ रही हैं तो जिमी का अकाउंट क्रेडिट। देखो रिटर्न इनवर्ड डेबिट होता है क्योंकि गुड्स आ रही हैं, रिटर्न इनवर्ड क्रेडिट होता है क्योंकि गुड्स जा रही हैं। रिटर्न इनवर्ड डेबिट हो रहा है जिमी की वजह से, अगर रिटर्न इनवर्ड डेबिट हो रहा है तो जिमी का अकाउंट क्या कर देंगे, क्रेडिट। जिमी हमारा कस्टमर है, जब हमने उसको माल बेचा था तो जिमी का अकाउंट हमने डेबिट किया था, जब वो गुड्स रिटर्न कर देगा तो जिमी का अकाउंट हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। जिमी को क्रेडिट कर देंगे, रेफरेंस में क्या आ जाएगा, रिटर्न आउटवर्ड। लास्ट ट्रांजेक्शन है इसके बाद हमारा, टू कैश फ्रॉम द बैंक 500 एंड गुड्स वर्थ 250 फॉर पर्सनल यूज। कह रहा है कैश निकाला बैंक से 500 और गुड्स निकाली कितने की, 250 पर्सनल यूज के लिए, दोनों हमारे पर्सनल यूज के लिए। याद रखें जब पर्सनल यूज होता है तो वो कहलाता है ड्रॉइंग। तो एक नया अकाउंट हम खोलेंगे, और ड्रॉइंग का अकाउंट हमेशा क्या होता है जी, डेबिट। तो देखें दो तरह की ड्रॉइंग है, एक ड्रॉइंग हमने की है किसकी,
चेक से पैसे निकालें और एक गुड्स निकालें। जब हम चेक से पैसे निकालेंगे तो एंट्री बनाएंगे ड्रॉइंग डेबिट और बैंक क्रेडिट। ड्रॉइंग का अकाउंट डेबिट होगा, रेफरेंस में बैंक आ रहा है, और जो बैंक का अकाउंट हमने बनाया यहाँ पे देखें, बैंक का अकाउंट हम क्रेडिट कर देंगे, रेफरेंस में क्या लिखेंगे ड्रॉइंग। ड्रॉइंग डेबिट हो रही है बैंक की वजह से और बैंक क्रेडिट हो रहा है किसकी वजह से, ड्रॉइंग की वजह से। और वो कह रहे हैं हमने गुड्स निकाली हैं कितने की, 250 की, वो भी पर्सनल यूज के लिए। लेकिन जब हम गुड्स निकालते हैं तो क्या एंट्री बनाते हैं, ड्रॉइंग तो डेबिट होती है, अब हम परचेस क्रेडिट करेंगे। क्यों? जब हम गुड्स खरीदते हैं तो परचेस डेबिट करते हैं, जब गुड्स घर ले जाएंगे तो परचेस को क्रेडिट कर देंगे। परचेस को क्रेडिट कर देंगे, रेफरेंस में आ जाएगा ड्रॉइंग, और जो ड्रॉइंग का अकाउंट है वो हमने बनाया हुआ उसको हम क्रेडिट डेबिट कर देंगे, रेफरेंस में क्या आ जाएगा परचेस। ड्रॉइंग डेबिट हो रही है परचेस की वजह से और परचेस क्रेडिट हो रहा है किसकी वजह से, जी ड्रॉइंग की वजह से। तो भाई ये वो ट्रांजेक्शन है जो अभी तक हमने जो है वो सारे ट्रांजेक्शन सॉल्व कर लिए। अब हम क्या करेंगे, इसको बैलेंस करेंगे और उसके बाद बनाएंगे टी अकाउंट, ट्रायल बैलेंस। एक बार आपने टी अकाउंट्स बना दिए, नाउ इट्स टाइम टू बैलेंस देम। सबसे पहले हम बैलेंसिंग सीख रहे हैं कैश अकाउंट की। और अगर आप देखें जो बड़ी साइड है, देखिए दो साइड्स है, लेफ्ट हैंड साइड डेबिट होती है, राइट हैंड साइड क्रेडिट होती है। अब हम इसको टोटल करेंगे। अगर आप देखें जो बिगर साइड है वो है डेबिट साइड, डेबिट साइड पे टोटल आ रहा है 65525। जो बड़ी साइड है वो डेबिट साइड है बेटा, जो बड़ी साइड है वो टोटल दोनों जगहों पे लिखेंगे। डेबिट साइड तो ऑलरेडी 65525 है, क्रेडिट साइड 65525 है नहीं, लेकिन इसको बनाना है 65525। कैसे बनाएंगे, 65525 में से ये दोनों माइनस कर देंगे 6150। जो बच जाएगा वो कहलाएगा बैलेंस सीडी, जो शॉर्ट साइड होता है वो क्या कहलाता है, बैलेंस सीडी। और ये जो बैलेंस सीडी है ये अगले पीरियड में क्या बन जाएगा, बैलेंस बीडी। सही है, 59375 जो बैलेंस सीडी आ रहा था यही अगले पीरियड में बन जाएगा बैलेंस बीडी। तो जो 31 दिसंबर में क्लोजिंग बैलेंस होता है वही 1 जनवरी में क्या बन जाएगा, ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। ऐसे में आपको एक दो और करके बता देता हूँ, बाकी आप खुद कर लेंगे। इसके बाद बैंक की बात करते हैं। बैंक में अगर आप देखें, बैंक एसेट है यहाँ पे, तो बड़ी साइड बैंक में भी डेबिट आ गई, बड़ी साइड को हमने ऐड कर लिया। देखिए टोटल हमेशा एक दूसरे के सामने आने चाहिए, जो बड़ी साइड पर टोटल है वो दोनों जगहों पर लिखा। अब 18550 में से 10500 माइनस करेंगे, जो बच जाएगा वो क्या कहलाएगा, बैलेंस कैरी डाउन। और ये जो बैलेंस कैरी डाउन है यही अगले पीरियड में बन जाएगा बैलेंस ड्रॉ। तो दिसंबर के बाद क्या डेट डालेंगे, 1 जनवरी 2019। एक कैपिटल को बैलेंस कर लेते हैं। कैपिटल में अगर आप देखें बड़ी साइड आ रही है क्रेडिट, डेबिट साइड पे कुछ नहीं है, जहाँ कुछ नहीं है वो क्या आ जाएगा, बैलेंस सीडी आ जाएगी। और दोनों साइड इक्वल हो गई, ये जो बैलेंस सीडी है इसको अगले पीरियड में बना देते हैं बैलेंस बीडी। यही 2 लाख क्या बन जाएगा, बैलेंस बीडी बन जाएगा। सही है, ऐसे ही आप बाकी अकाउंट्स को भी टोटल कर रहे हैं। अच्छा जी, एक बार आपने क्या किया, सारे अकाउंट्स को बैलेंस कर लिया, जो शॉर्ट साइड है वहाँ पे बैलेंस सीडी आ जाएगा और जो बड़ी साइड है वहाँ पे बैलेंस बीडी आ जाएगा। एक बार आपने सारे अकाउंट्स के बैलेंस ब्रॉड डाउन निकाल लिए, नाउ इट्स टाइम टू मेक अ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस क्या होता है बेटा, ट्रायल बैलेंस ये होता है कि जितने भी टी अकाउंट्स हमने बनाए उनके जितने भी बैलेंस ब्रॉड डाउन है, बैलेंस बीडी, सबके बैलेंस बीडी को एक जगह हमें लिस्ट डाउन करना है और ये कहलाएगा ट्रायल बैलेंस। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कौन कौन से अकाउंट्स है मेरे, कैश, बैंक, कैपिटल, शॉप, पीटर, लोन फ्रॉम जेम्स, परचेज, डिसूजा, जिमी, सेल्स, इंश्योरेंस, एक्सपेंस, रेंट रिसीव, इनकम है, रिटर्न आउटवर्ड है, रिटर्न इनवर्ड है, ड्रॉइंग्स है, ये सारे हमने अकाउंट्स अभी बना लिए। अब सबके देख लें बैलेंस बीडी। अगर कैश का हम अकाउंट देखे जाके तो बैलेंस बीडी आ रहा है डेबिट पे, क्योंकि कैश क्या है, एसेट, एसेट में बैलेंस बीडी कहाँ आएगा भाई, डेबिट बैलेंस। ऐसे बैंक बैलेंस को अगर आप देखो यार, बैंक भी यहाँ पे एसेट है, बैंक का बैलेंस बीडी भी डेबिट पे आ रहा है। बैंक का बैलेंस बीडी क्रेडिट पे भी आ सकता है, कब, जब बैंक को हमारा ओवरड्राफ्ट। कैपिटल का नीचे क्रेडिट होता है, बैलेंस बीडी क्रेडिट पे आ रहा है। ऐसी शॉप जो है वो एसेट है, उसका बैलेंस बीडी डेबिट। यार हमने पढ़ा था AED, एसेट, एक्सपेंस और ड्रॉइंग का बैलेंस बीडी डेबिट का आएगा। LIC, लाइबिलिटी, इनकम और कैपिटल का बैलेंस ब्रॉड डाउन का आ रहा है भाई, क्रेडिट का। तो सबके बैलेंस बीडी हम लिख लेते हैं। कैश भी आ गया हमारे पास, बैंक आ गया, कैपिटल के नीचे क्रेडिट है, शॉप एसेट है, डेबिट, पीटर लाइबिलिटी है, क्रेडिट, लोन हमारे लिए लाइबिलिटी है, क्रेडिट, परचेज से एसेट बढ़ता है इसलिए डेबिट, डिसूजन सप्लायर है, क्रेडिट,
जिमी कस्टमर है डेबिट, सेल्स हमारे पास क्या है भाई क्रेडिट आ रहा है, इंश्योरेंस एक्सपेंस से डेबिट आ रहा है, रेंट रिसीव इनकम है क्रेडिट पे आ रहा है, रिटर्न आउटवर्ड जो है वो क्रेडिट पे आ रहा है, रिटर्न इनवर्ड जो है वो डेबिट पे आ रहा है और ड्रॉइंग्स भी डेबिट पे आ रहा है। सही है जी। एंड में अगर हम इनको बैलेंस करें तो डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। अगर डेबिट और क्रेडिट का टोटल इक्वल आ रहा है इसका मतलब हमारी डबल एंट्री जो है वो सही है, इसका मतलब हर ट्रांजेक्शन जिसका हमने डेबिट रिकॉर्ड किया है उसका क्रेडिट भी हमने रिकॉर्ड कर लिया है। तो ये कहलाता है बेसिकली ट्रायल बैलेंस, कि एंड में डेबिट्स और क्रेडिट क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए।